हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से कर्व लीड क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सामने जो पिक्चर दिख रहा है, ये स्विच का पोर्शन है, स्विच और क्रॉसिंग का, टर्नआउट का। तो एक्चुअली हम आपको बताते हैं, कर्व लीड बराबर होता है जैसे लीड रेल प्लस स्विच लीड। तो ये जैसे टू ऑफ स्विच जो होता है, जैसे इसको हम लोग टू ऑफ स्विच बोलते हैं, ये तो टू ऑफ स्विच से जो है हील तक जो है इसको स्विच लीड बोला जाता है। ये सामने जो जहाँ तक हम आगे बढ़ रहे हैं, ये स्विच लीड का पोर्शन होता है। ये स्विच लीड हो गया और ये यहाँ तक जो है, हील तक जो है इसको स्विच लीड बोला जाता है। यहाँ तक टो से लेकर हील तक जो है ये स्विच लीड का पोर्शन होता है, और फिर यहाँ से जो है ये एक्चुअली जो है लीड रेल बोला जाता है, या लैंडिंग रेल भी बोला जाता है। ये यहाँ से लेकर वो क्रॉसिंग का जो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग होता है, वहाँ तक को हम लोग लीड रेल बोलते हैं। तो ये जो है आगे जो हम आपको बढ़ रहे हैं, इसको लीड रेल बोला जाता है। तो आप ध्यान रखें कि एक्चुअली जो है कर्व लीड बराबर होता है लीड रेल प्लस स्विच लीड। तो ये जो है सामने जो चल रहे हैं, ये लीड रेल हो गया, और ये जो है क्रॉसिंग तक का जो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग जो होता है, वहाँ तक, यहाँ तक ये एक्चुअली होता है पोर्शन है। तो यहाँ तक का पोर्शन को हम लोग ये ANC बोलते हैं। ये जो है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और ये टेपर जो पोर्शन यहाँ तक एक्सटेंड रहता है, उसको थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। तो यही जो है कर्व लीड कहलाता है। तो आप ध्यान रखें, कर्व लीड बराबर होता है लीड रेल प्लस स्विच लीड। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है डिटेल को समझ में आ गया।